दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना दोस्तों। हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। हमारे पास है ये हुंडई गेट, साथ में इसका रिव्यू करने वाला हूँ। तो ये प्राइम वर्जन है, ये इसका शानदार हेडलाइट और ये शानदार ग्रिल इसका, तो ये इसका शानदार बम्पर, यहाँ पे फॉग लाइट्स मिलेंगे। मुझे इसका ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद है, ओरिजिनल वन का नहीं, क्योंकि इसके लाइट्स ऐसे थे और वो उतना भी अच्छे नहीं लगे। तो ये इसका साइड व्यू, ये इसका इंडिकेटर लाइट, ये इसका टायर, हबकैप की तरह स्टील व्हील्स हैं इसमें, इसका शानदार मिरर, ये रेडियम शानदार हैंडल, ये पेट्रोल टैंक, ये इसका पीछे का व्यू, ये टेल लाइट भी अच्छी तरह बना है। तो पुरानी गट्स में ऐसे आता है इसका इंडिकेटर लाइट और यहाँ पे राउंड रिवर्स लाइट आता है। हुंडई का बैजिंग, ये हुंडई का लोगो इधर, यहाँ पे रिवर्स कैमरा लगा है। ये गेट्स प्राइम मॉडल की बैजिंग, GVS मॉडल की बैजिंग, ये इसका नंबर प्लेट का लाइट। तो अभी अनलॉक कर देता हूँ इस कार को। तो ये इसका इंटीरियर है, तो ये शानदार AC वेंट्स, ये डिसेंट साइज ग्लोव बॉक्स, ये इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, AC के कंट्रोल इधर, कभी होल्ड इधर, ये 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पे 3 डमी बटन्स मिलेंगे, यहाँ पे स्टोरेज, इधर भी एक डमी बटन, यहाँ पे एक सिगरेट लाइटर और पावर आउटलेट, ये स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे कुछ हैंग करने के लिए, यहाँ पे ट्रिप मीटर, ये इसका इग्निशन स्विच, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदर रैप स्टेयरिंग, यहाँ पे भी एक डमी बटन, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, ये हेडलाइट का राइजर, ये इंडिकेटर और लाइट कंट्रोल्स, ये वाइपर कंट्रोल्स, तो ये इसका इंजन बे है। 12 वाल्व्स मिलेंगे इसमें, ये बैटरी ऑयल डालने के लिए, तो इसको नहीं खोलना चाहिए जब गर्म है। तो ये इसका पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, तो ये इसका डिक्की का स्टोरेज, तो लेकिन स्पेयर व्हील नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें बहुत स्टोरेज है। इधर भी ऊपर स्टोरेज लगा है, यहाँ स्टॉप लैंप दिया है, यहाँ पे पुल करने के लिए। तो यहाँ पीछे भी स्पीकर लगे हैं, ये पीछे सीट के पीछे पॉकेट्स दिए हैं, इधर भी एक कभी होल्ड, यहाँ पे भी एक स्टोरेज, यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स, हुक हैंडल, यहाँ पे लाइट जो लेकिन काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी एक लाइट लगा है, इधर भी हुक हैंडल। तो ये सनशेड भी अच्छी तरह बना है, यहाँ पे एक मिरर, इधर भी एक सनशेड है लेकिन मिरर नहीं है। ये इसका हैजर्ड लाइट स्विच, अगर AC वेंट्स एडजस्ट करना है तो हमें ये व्हील घुमाना पड़ेगा, लेकिन इसमें पावर मिरर एडजस्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। और यहाँ पे 2 वाइपर्स, यहाँ पे 2 नोजल्स, अच्छा एंटेना है। सो गाइस आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाइए। और प्लीज़ अगर कोई गाड़ी रिव्यू करना है तो कमेंट में बोलिए, पिंड कमेंट में। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।